ममता बनर्जी को 20 साल तक कोई भी हिला नहीं सकेगा बंगाल में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार, एक दो नेता भ्रष्टाचार होने से पूरा ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार बोलने से। ईडी सीबीआई हमारे सरकारी जो बीजेपी पार्टी है, जो अभी देश के पार्टी है, उसके होकर काम कर रहा है, सरकार को अगर काम नहीं कर रहा है, बीजेपी पार्टी का होकर काम कर रहा है। मोदी जी को हम 21 में भागीरथी के जल में विसर्जन दिया है और 24 में बनारस के जल में विसर्जन देंगे। ममता दीदी आ रहा है, सभी लोग ममता दीदी को सपोर्ट करेगा। 2024 में मोदी जी जा रहा है तो 2024 में ममता दीदी आ रहा है तो सब लोग को ला रहे हैं। मोदी जी को भी टीएमसी में, मोदी जी को नहीं ला सकते, वो आरएसएस के नीति में चलते हैं, हम लोग टीएमसी के नीति में चलते हैं, सबका नीति अलग है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं, सुने, अपना जान दे सकते दीदी के लिए, ममता बनर्जी के घटिया पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते है, इसीलिए बीजेपी से हम लोगों को नफरत है। हिंदू मुसलमान कल भी देखा अमित शाह का बेटा झंडा झंडा नहीं पकड़ रहा है, तो वो राष्ट्रवाद कर रहा है पर झंडा ही नहीं पकड़ रहा है, वे तो नहीं हुआ ना, हिंदू मुस्लिम करता है, पर ममता बनर्जी सब हिंदू लेके मुस्लिम लेके सबको एक साथ लेके चलता है, तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए मेरा प्यार इतना ही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। आदर्श गुरुंग कहाँ से आया? अलीपुर द्वार माधरहाट ब्लॉक, अलीपुर से आए। तो ममता बनर्जी का आपने वो पहना हुआ है, मतलब के कैप्स पहना हुआ है, तो क्या मतलब ममता बनर्जी से इतना प्रेम? हाँ, इतना प्यार करता है स्टूडेंट के लिए, तो इतना प्रेम तो बाकी बनता है ममता बनर्जी के लिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के और ममता बनर्जी में 2024 में कौन जीत रहा है? अभी तो ये छात्र परिषद का आज फाउंडेशन डे का जो रैली था, इसने बता दिया कि 2024 में ममता बनर्जी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे? अच्छा तो कर रहा है, पर जितना भी अभी तक बंगाल का जितना भी पेंडिंग डिमांड है अभी तक वो मोदी जी पूरा नहीं किया है ना, इसलिए तो 2024 में इतना, अभी मुराई का दाम भी बढ़ा, जीएसटी लगा दिया, ट्रेन में आते वक्त 10 रुपये में खाता था, अभी 20 रुपये हो गया है, तो इस बार ममता सरकार। अच्छा, इस बार ममता सरकार तो है, 2024 का बोले। 2024 में ममता दीदी आ रहा है, सभी लोग ममता दीदी को सपोर्ट करेगा। 2024 में मोदी जी जा रहा है तो 2024 में ममता दीदी आ रहा है तो 2024 ममता बनर्जी आ रहा है। ये बताइए कि क्या बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं, तो क्या इस? नहीं, बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान, कल भी देखा अमित शाह का बेटा झंडा झंडा नहीं पकड़ रहा है, तो वो राष्ट्रवाद कर रहा है पर झंडा ही नहीं पकड़ रहा है, वे तो नहीं हुआ ना, हिंदू मुस्लिम करता है, पर ममता बनर्जी सब हिंदू लेके मुस्लिम लेके सबको एक साथ लेके चलता है, तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए मेरा प्यार इतना ही है। अच्छा, इतना ही प्यार है। ममता बनर्जी का स्टिकर आपने लगा रखा है, तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल के लिए बहुत बढ़िया कर रही है एजुकेशन को? अभी ममता बनर्जी को 20 साल तक कोई भी हिला नहीं सकेगा बंगाल में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार, एक दो नेता भ्रष्टाचार होने से पूरा ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार बोल नहीं सकेगा ना, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक्शन भी ले चुका है, तो पार्टी से निकाल दिया। हाँ, तो 2024 में मोदी जी से टक्कर हो रहा है क्या? कांटे का टक्कर होगा 2024, एकदम कंपटीशन होगा मोदी जी के लिए, एकदम कंपटीशन देगा ममता दीदी, एकदम कंपटीशन देगा 2024 में। धन्यवाद। तो और पूरा ममता बनर्जी के समर्थक, बिल्किस बानो के समर्थक यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। दादा क्या नाम है? पिंडू सहानी। कहाँ से आए हम? सेंट्रल कोलकाता से। तो ममता बनर्जी ने आज सीबीआई और ईडी पर लगातार हमला कर दिया, तो क्या लग रहा है कि जरूरी है? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री ईडी और सीबीआई को अपने पावर के दुर्व्यवहार कर रहा है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितना सीबीआई और ईडी मोदी सरकार का जमाई है, दमाद है, तो क्या लग रहा है कि जमाई वमाई है? वो केजरीवाल को पता होगा, तेजस्वी जी को पता होगा। अच्छा, पर हमें जो पता है, ईडी सीबीआई हमारे सरकारी जो बीजेपी पार्टी है, जो अभी देश के पार्टी है, उसके होकर काम कर रहा है, सरकार को अगर काम नहीं कर रहा, बीजेपी पार्टी का होकर काम कर रहा है। एक सवाल पूछेंगे, पश्चिम बंगाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका धरती है, सब प्यार करते हैं बंगाल, यहाँ पे जितना नागरिक है सब बंगाल का नागरिक है, यहाँ पे जात पात का राजनीति नहीं होता है। बीजेपी के लोग कहते हैं बीजेपी यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे जो कुछ चुने चने जो बीजेपी एमएलए सब है, वो कुछ दिन के वो तृणमूल का ही है,
पोस्ट के लोग में वहाँ पे गए थे, फिर रिटर्न आ जाएंगे अधिकारी कुछ दिन रिटर्न आएंगे देख लीजिए अधिकारी। मगर दीदी पर लगातार हमला कर शुभेंदु अधिकारी तीन मिनट में आने के लिए दीदी पर हमला कर रहे हैं, कुछ दिन बाद शुभेंदु अधिकारी देखिए अब से कालीघाट में लाइन देगा। सब लोग को ला रहे हैं, मोदी जी को भी टीएमसी में, मोदी जी को नहीं ला सकते, वो आरएसएस के नीति में चलते हैं, हम लोग टीएमसी के नीति में चलते हैं, सबका नीति अलग है। ममता बनर्जी बोल रहे, सुने ममता बनर्जी बोल रही है कि हम मर जाएंगे मगर सीबीआई रेडी से नहीं डरेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ हर वक्त है, क्योंकि हम अगर चोरी नहीं किए तो हम क्यों डरेंगे? अच्छा। कोई भी संस्था भेजो, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, अदर स्टेट का पुलिस भेजो, हम लोग मजबूत है, मजबूत ही रहेंगे, हम लोग डरेंगे नहीं। दीदी मैं मजबूत छात्र हूँ, दीदी है क्योंकि हमारा दीदी का मिसाइल आप देख चुके हैं, मोदी का मिसाइल बंगाल में जब आता है आप देखते हैं कहां कहां से भाड़ा करके लोग लाए जाते हैं, अदर स्टेट भाड़ा करके, एक से भी पूछिए, एक से ही पूछे, यहाँ पे इतना भाई बहन घर है कोई से पूछे, ये सिर्फ तृणमूल छात्र परिषद का मिसाइल है, अभी तृणमूल कांग्रेस का मिसाइल आप लोग इक्कीस जुलाई देख चुके हैं, ये तृणमूल छात्र परिषद इतना क्षमता कर सकते हैं। 24 में दीदी पीएम के दावेदार है और हम लोग तृणमूल छात्र परिषद दीदी के पीएम बनाने के लिए हम लोग जी जोर कोशिश करेंगे। तो ममता बनर्जी के समर्थक यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और ममता बनर्जी के लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौतम बॉल कहाँ से आप? बाली से। तो क्या लग रहा है कि आपने झंडा लगाया हुआ और यहाँ लिखा हुआ बांग्ला निजर में के चाय, तो क्या ममता बनर्जी मोदी जी के खिलाफ मजबूत है? मजबूत है ममता दीदी, 2024 में सरकार करेगा। अभिषेक बनर्जी बोल रहे कि माठे 10-0 गोल कर देंगे बीजेपी को। अभिषेक बनर्जी अकेला हीरो है, बाकी बीजेपी का कोई हीरो नहीं है। अच्छा, तो लगता है कि इस मरतबा 2024 में कुछ चमत्कार कर रही है दीदी? चमत्कार तो कर रही है, आप 21 जुलाई को देखा है कितना लहर है, आज छात्र युवा का लहर देखे है। तो मतलब के ममता बनर्जी कह रही हम सीबीआई से नहीं डरते, तो ऐसा कुछ है दीदी? कोई सीबीआई से नहीं डर, सीबीआई सीबी से नहीं डरते हैं दीदी, काम किया है पब्लिक के लिए, अच्छा काम किए हैं, घर घर में आप गांव में जाके पूछिए, बीजेपी आदमी से पूछ के कोई फायदा नहीं, पब्लिक से पूछिए, पब्लिक सब पाल्स क्या है, आप दीदी के लिए जान दे सकते हैं? हाँ अपना जान दे सकते हैं दीदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। चलिए धन्यवाद। और कुछ साथी लोग से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा? बांग्ला में बोलिए। बड़ा मसला है। आइए कुछ और साथी सब लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे दादा क्या नाम है आपका? अभिषेक मजुमदार। अभिषेक मजुमदार कहाँ से हैं आप? बशीरहाट से। तो क्या लग रहा है, बशीरहाट से तो नुसरत है ना शायद वहाँ की एमपी सांसद, तो बीजेपी के खिलाफ आप लोगों का लगातार ताबड़तोड़ हमला है, तो बीजेपी से इतना नफरत क्यों है आप लोगों को? क्योंकि उसके जैसे घटिया पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए बीजेपी से हम लोगों को नफरत है। ममता बनर्जी कह रही है मर जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। तो हम लोग भी तृणमूल टीएमसीपी और टीएमवाईसी भी यही दीदी के बात से, दीदी के साथ हम लड़ाई में जारी है और हमारा शेष ब्लॉक तक हम लड़ेंगे। अच्छा, तो अभिषेक बनर्जी कहा कि गोल में होगा, माठ में खेला मतलब मैदान में होगा, 10-0 मार देंगे। सही बात किया हमारा युवराज बॉस अभिषेक बनर्जी ने, अगर टीएमसी को साथ लड़ रहे हो तो बीजेपी और सीपीएम और जो भी XYZ पार्टी है उसका सब लोग एक साथ करके हमारा टीएमवाईसी और टीएमसीपी के साथ लड़ने के लिए उसका घम जड़ जाएगा। बताइए मोदी जी अगर आपको क्या एमएलए का पद दे दिए तो आप भी दीदी के खिलाफ? नहीं नहीं कभी नहीं, क्योंकि टीएमसीपी एक माने आवेग है, एक सेंटिमेंट है, चला गया था क्योंकि वो टीएमसीपी करके नहीं उठा इसीलिए। और अभी तक लड़ाई हो तो दीदी पहले से उसको सब कुछ देकर इतना दिया, मैं खिदे बहुत बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए, दीदी और मोदी में ज्यादा मजबूत कौन है? डेफिनेटली दीदी। तो आप तो टीएमसी समर्थक हैं? नहीं नहीं, ये तो आज का जो लोग है ये तो इसको अपमान कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया। मुसलमान का राजनीति वगैरह है? नहीं नहीं, वो सब हम लोग ये तो यहाँ पर जो खड़े हैं हमारे डाइने बाजू में सब उसके 50-50 है। अच्छा, सब हमारा वो सब कुछ नहीं मालूम करते, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो 24 में थैंक यू, 24 में मोदी जी को हम 21 में भागीरथी के जल में विसर्जन दिया है और 24 में बनारस के जल में विसर्जन देंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।